सपोर्ट करो क्योंकि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सका। सजना नू मैं मन च वसाया ओ दुनिया सानू बड़ा आजमाया प्यार तू कदी नहीं आते जमाना गम सरदार वे ढोला ते मैं यहां कटे जमाना गम सरदार वे ओ तेरी खातर दर दर रुल गए कमले दीवाने गुल गए अजयो नाराजे अजयो नाराजे ओ तेरी खातर दर दर पकावा दे दो उन्हें एक जन सी बोमन चंग सजन खुदा देगा। हाय 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 हाय। तो आप वो भारत का कह रहे थे, मुझे कनाडा से कॉल आई है, ठीक है, तो वहाँ तक इसका गाना सुना जा रहा है, सऊदी अरब, कनाडा हो गया, दुबई हो गया, हर जगह भी। मैंने ना इसे काफ़ी दफ़ा भीख मांगते हुए देखा है, और जिस टाइम मैं वो इसके पास गया था तब भी ये भीख मांग रहा था। मुदस्सर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, आज आपका मेज़बान मुदस्सर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है, और आप देख रहे हैं मुदस्सर की बातें, देखते हैं सुनते हैं गानों को। मुदस्सर का आज सलाम। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला नन्ना बच्चा भीख मांगता है, भीख मांगते मांगते एक वीडियो रैंडम करते हैं शेब भाई, और आज ये सोशल मीडिया की जीनत बना। हो सकता है इसकी वीडियो इंडिया तक वायरल हो, ऑस्ट्रेलिया तक वायरल हो, अंग्रेज़ों तक वायरल हो, और इस बच्चे को लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं, और ये उन लोगों उन शख्सियात के गाने गा रहा है जिनको मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्यार मिलता है, इंडिया तक उनको लोग सुनते हैं। आखिर ये बच्चा है क्या, इसकी ज़ाती ज़िंदगी है क्या, किस फैमिली से बिलोंग रखता है, फिर भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। बताइएगा, एक बच्चे की वीडियो आप कैप्चर करते हैं और ये बच्चा रातों रात ओवर नाइट सक्सेस, मैं कहता हूँ वायरल हो जाता है, आखिर ये बच्चा है कौन? जी ये बच्चा एक बेसिकली एक भीख मांगने वाला है। हाँ जी, तो ये उधर भीख मांगता था पार्क वगैरह में, जैसे लोगों को गाना सुना के पैसे ले लेना या ऐसे ही मांग लेना, तो ये वाला सीन था इस बच्चे का। अच्छा मुझे बताएं, ये बच्चा एक स्टार है लेकिन आप कह रहे हैं कि ये बच्चा रियलिटी में भीख मांगता है, मुझे बताएं ये ऐसा क्यों, आप क्यों कह रहे हैं कि आपने इसको मांगते देखा है, वीडियो कैप्चर की? जी मैंने ना इसे काफ़ी दफ़ा भीख मांगते हुए देखा है, और जिस टाइम मैं वो इसके पास गया था तब भी ये भीख मांग रहा था, तो कुछ बच्चों ने इसे तंग किया हुआ था और ये रो रहा था। फिर वो किस तरह आपने वीडियो रैंडम गई, इसने किस तरह गाया, आपको कैसे पता चला ये बड़ा अच्छा गाता? मुझे नहीं पता था कि ये सॉन्ग गा लेता है या इसकी आवाज़ कैसी है कैसी नहीं है। मैं जब पार्क में आया हूँ तो ये रो रहा है, तो मैंने इसे चुप कराया, मैंने पूछा क्या हुआ, कहते लड़कों ने मारा है। जी तो फिर मैंने इसे चुप कराया, कुछ पैसे दिए इसे, तो जब मैंने इसे पैसे दिए तो ये मुझे कहता है कि मैंने आपको एक सॉन्ग सुनाना है। ये आपको कहता है? जी ये मुझे कहते हैं मैंने आपको एक सॉन्ग सुनाना है। मैंने कहा चलें ठीक है सुनाए, तो इसने सॉन्ग सुनाया, तो ढोला तो मैं इकट्ठे मैंने वो रिकॉर्ड किया, अच्छी आवाज़ लगी इसकी, मैंने रिकॉर्ड किया, तो जब मैं घर वापस आया मैंने इसका वो गाना जो था ना वो अपलोड कर दिया टिकटॉक पे। मुझे नहीं पता था, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये वायरल होगी। एक दो दिन देखा कि वो व्यूज़ बस थोड़े बहुत व्यूज़ थे, तो मैंने यानी कि टिकटॉक ओपन नहीं किया काफ़ी दिन, तो बार बार नोटिफिकेशन आए जा रहे थे, मैंने कहा यार क्या सीन है, कोई वीडियो है ही नहीं ऐसी जिस पर इतने कॉमेंट्स या लाइक है, जैसे ही वीडियो ओपन करता हूँ तो निक्कू की वीडियो वायरल है, 9 लाख पे वीडियो पहुँची हुई है, मैंने कहा क्या बात है। तो फिर अगेन मैं निकू के पास चला गया, मैंने कहा चलो यार अब निकू का काम स्टार्ट हो गया, क्यों ना निकू को साथ ही लाया जाए। बड़ी बात। तो फिर मैंने अगेन निकू को वीडियो बनाई निकू की जाके, जब देखा कि ये अगेन उसी हुलिये में है, यानी कि उसी पहले वाले यानी कि स्टाफ में, तो मैंने जाके इससे सॉन्ग सुने, तो फिर वापस आया जब वीडियो अपलोड की तो वो भी फेमस हो गई, तो जैसे ही वो वायरल हुई हैं लोगों के कमेंट्स आने लगे कि बच्चे का फ़ायदा उठाते हो, बच्चे को जूती तक लेके नहीं देते, तो लोग तरह तरह की बातें तंजिया बातें गालियां दे रहे थे, तो मैंने उनकी बातें इग्नोर करते हुए नेक्स्ट डे जाके मैंने निकू के लिए शॉपिंग की। तो निकू के लिए शॉपिंग की, जूती लिए, इसके कपड़े लिए, बाकायदा वो वीडियो भी अपलोड की, तमाम जो भी एक्टिविटी थी वो मैंने सोशल मीडिया पर दी। तो जब शेब भाई, अब मैं कहता हूँ कि लोग बड़ा एक्साइटेड हैं इस बच्चे की आवाज़ का जादू सुनने के लिए, इस बच्चे का गला इससे बहुत बड़ा है, इसको लोग बड़ा सुनते हैं, मेरा ख्याल है कि इसको भारत में भी सुना जा रहा होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो वो उसका गाना कौन सा था, जरा इस बच्चे से कहीं पेश करें। जी ये बच्चा अभी आपको वो गाना सुनाते हैं, आप वो भारत का कह रहे थे, मुझे कनाडा से कॉल आई है, ठीक है,
तो वहाँ तक इसका गाना सुना जा रहा है, सऊदी अरब, कनाडा हो गया, दुबई हो गया, हर जगह पे। जी वो सुनाए डोला ते मैं, वो गाना सुनाए जरा निकू साहब। डोला ते मैं यहाँ कठे जमाना बम सरदार वे, सरदार वे बम नरदार वे, सजना नु मैं मन च वसाया, दुनिया सानू बड़ा आजमाया। डोला ते मैं यहाँ कठे सरदार वे, तेरा प्यार जिंदगी मेरी, करनी गे मैं पूजा तेरी, कदम ते पैं डटे जमाना बम सरदार वे। ए गाना किदा है निकू, दस खां। अकरम फरीदी। अकरम फरीदी दा? हां। वो इतना बड़ा सिंगर किस तरह गा लेंदे हो? अकरम फरीदी ना बड़ा प्यार है तानू। वाह क्या बात है, कोई और कोई चीज सुनाओ अकरम फरीदी दी, आए कोई याद? दौड़ा ते हां सुनाओ अकरम फरीदी, दौड़ा सुनाओ। ओ दे पूछ गए अकरम मीट लिया, घर बार दिया नच रखी, जड़ टुर के आवे अबू वेते ओ मेरी याद मुका बोवन चंग सजन खुदा देगा। मन मोजा मार मुकाया ये, बैठी रोनिया नीर वाके, कुछ तरस चकरी, कुछ तरस चकरी उजड़ी ते आई बैठी गरी लुटवा के। क्या बात है, मंजूर में सजन करें दे नहीं, तू बैठे मूड बना के। क्या कहने हैं ले जी, निक्यू को लगता है तंग कर रहा है, कोई तंग कर रहा है कर दे बेटा। बकरी 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 देखी है जी निक्यू ने और वो हंस रहा है। अपना निक्यू मैनु एक गल दस, किन्ने अरसे तू गा रहे हैं, किन्ना को अरसा हो गया दौड़े दौड़े पढ़ दे? दो त्रै महीने हो गए। दो त्रै महीने च घर च कोई और भी गांदा है? अबू अम्मी गांदे ने? मेरे प्यो गांदा। गांदा प्यो भी? ओए हाय हाय क्या बात, सीखे ने ओदे कोल सीखे एक दौड़ा दुआ ही। हां सुनाओ। लगा दिल लगा दिल ते तीर विचोड़ दो, वदा दुख सी है ओ तेरी याद दे विची रो रो के, कर मैटिया रखिया लाल तेरी हरी एक रात ते, कसम खुदा दी विच गैदर दा तीर छुड़े दाए वलिया ते जुड़े दाए, दो गाल तो नहीं चंगिया एक गाल ते आ डोला, या जुल्म वसा डोला, या प्यार निभा डोला, या जुल्म वसा डोला, या प्यार निभा डोला, दिल चीर जुड़े दाए वली वते जुड़े दाए, दो में गाल तो नहीं चंगिया एक गाल ते आ डोला, या जुल्म वसा डोला, या प्यार निभा डोला। क्या कहने हैं निकू, तेरे मुकाबले नहीं हो, नहीं है तेरे जोड़, क्या कहने हैं, बड़ी आवाज है तेरी, तेरी उम्र तो बड़ी आवाज है तेरी। तेरे खातर दर दर रुल गए, कमले दीवाने हुल गए, तेरे खातर खातर तेरे खातर खातर ओ तेरे खातर दर दर रुल गए, कमले दीवाने हुल गए, अजयो नाराज अजयो नाराज ओ तेरे खातर दर दर रुल गए, कमले दीवाने हुल गए, अजयो नाराज अजयो नाराज। आहा
क्या बात है जी, क्या बात है। ये है निक्कू। शेब भाई, ये निक्कू क्या है, ये नाम कहाँ से आया, मुझे बताएं ये कैसे आमद हुई। असल में इसका नाम, जो रियल नाम है इसका, वो मिराज दीन है। मिराज दीन, माशाल्लाह इतना बड़ा नाम। तो इसने हमें पहले ही बताया हुआ था कि नाम इसका मिराज दीन है। तो जब ये डोला और मैं इकट्ठे वायरल हुआ ना, तो एक दिन मैं बैठा बैठा मेरे ख्याल आया जिन में, क्यों ना इस गाने को थोड़ा चेंज किया जाए स्टार्टिंग से। तो जाते मैंने से कहा कि अब हमने कहने निक्कू तो मैं इकट्ठे। अच्छा हाँ, तो वो हमने साथ ही गाया था। मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा बोलो निक्कू तो मैं इकट्ठे, फिर साथ में गाया तो वो गाना भी फिर वायरल हो गया। आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी, मैंने सुना जी। हाँ, तो वो हमने गया था इकट्ठे हो जाए फिर तरह। हाँ। निक्कू ते मैं वो तरह जी कर के। हाँ। चलो शेप ते निक्कू इकट्ठे। निक्कू ते मैं इकट्ठे, जमाना बम सरदार वे, सजना नु मैं मन च वसाया, ओ दुनिया सानू बड़ा आजमाया, प्यार तो कदी नहीं आते सरदार वे, ओ शुएब ते मैं इकट्ठे, जमाना बम सरदार वे, ढोला ते मैं इकट्ठे, जमाना बम सरदार वे। बस 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 पढ़ाए। देखें जी शेब भाई, बच्चा बड़ा वायरल हो गया है। आपने माशाल्लाह इस पर इन्वेस्ट भी किया होगा, बज़ाहिर ये बच्चा डिज़र्व करता है और अल्लाह ने आपको नवाजा है और आप इस बच्चे को लेके चल रहे हैं। मुझे बताएं इस बच्चे का क्या फ्यूचर देखते हैं। आपने निक नेम भी दे दिया, शेब और निक्कू इकट्ठे हो गए हैं, गाना भी बन गया, फिर इस बच्चे का फ्यूचर क्या देख। जी इस बच्चे का इंशाल्लाह फ्यूचर ब्राइट ही है। आगे इसको आगे लेके जाना है, एक बहुत बड़े स्टेज पे लेके जाना है। ये तो चलो छोटे मोटे जो हो गए, इसे स्टूडियो पे भी लेके गया हूँ। इसका गाना ईद पे रिलीज़ होने वाला है, एक प्रोफेशनल तौर पे एक बनवाया सॉन्ग। और इंशाल्लाह मैं सपोर्ट जितना कर सकता हूँ उतना तो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कोई बड़ा टिकटॉकर या कोई ऐसा नहीं हूँ। लेकिन मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जो कि एक बड़े मुकाम पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, वो इसे सपोर्ट करें, तो बस यही हमारी गुजारिश है। अच्छा निक्कू, लोग बड़े देख रहे हैं, वड्डा होके की बनना चाहना है? मैं पाकिस्तान दा ना रोशन करना चाहना, ये बस यही मेरी दिल दी ख्वाहिश है। ते शुएब भाई मेरी बड़ी चंगी सपोर्ट कीती है, कहले 8,000, कहले 20,000, कहले 10,000 कपड़े जुत्ती टोपी हर चीज मिल लाते देंदा। ते लोग भी तनु जेड़े देख रहे हैं तनु सपोर्ट करन ताकि सी पाकिस्तान दा नाम रोशन कर सकां। मैं पाकिस्तान दा नाम रोशन कर सकां और मैनू सपोर्ट करो, क्योंकि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शेब भाई लास्ट में इस बच्चे के लिए कोई पैगाम, बड़े लोग सब इकदार हैं, ये बच्चा डिजर्व करता है और भीख भी मांगता है, तो बड़े ओवरसीज देख रहे हैं, बड़े मामलात हैं, तो कोई ऐसा पैगाम, इस बच्चे का नंबर जो कि अपने अकाउंट्स बताना चाहें ताकि मोनिटर कर दें, ताकि इस बच्चे के मामलात या आपके थ्रू या किसी मामलात के थ्रू इस बच्चे का लाइफ स्टाइल बेहतर हो सके। जी बिल्कुल, हम भाई ये जो इस बच्चे का नंबर भी देंगे, अकाउंट नंबर भी देंगे, आपने सपोर्ट करना है जितना हो सकता है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। आप गाने करवा रहे हैं, बजट तो लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गाने करवा रहा हूँ, इसे दूसरी जगहों पे लेके जा रहा हूँ। और बच्चे की फिलहाल हमने ना भीख मंगवाना बंद कर दिया, मैंने कहा कि भीख अब नहीं मांगनी, अब तुम वो नहीं रहे, अब निक्कू स्टार हो तुम, ब्रांड हो, एक भीख नहीं मांगनी। और इनकी फैमिली को भी कह दिया कि आपने भी किसी ने इस तरह का कोई काम नहीं करना, खर्चा जाने हम जाने, इंशाल्लाह मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तो ये अभी निक्कू और मैंने एक अपना व्लॉग चैनल बनाया है जिसका नाम है @mrshweb. लिखेंगे तो वो आ जाएगा, तो वहाँ पे निक्कू और मेरे व्लॉग्स होते हैं। और ये जो हो रहा है इंशाल्लाह तमाम व्लॉग शूट हो रहा है वो भी अपलोड होगा, आपने ज़रूर जाके देखना है और सब्सक्राइब करना है इंशाल्लाह। नाज़रीन स्क्रीन पर नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, आप रब्ता कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी हैं। तो खुदा रहा ये बच्चा है, डिज़र्व करता है और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, तो आपका काम है इसको सपोर्ट करना। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को जाते हैं, देखते हैं प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनने का मुदस्सिर का। सलाम।